अब मैं बिल्कुल आखिरी सवाल, ओम प्रकाश जी कितनी सीटों का अनुमान आप लगाते हैं? देखिए मैंने कहा कि हर आदमी उत्तर प्रदेश में गणित लगाकर बैठता है, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें, कितनी सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं? मैं 300 सीटों पर मजबूती से लड़ रहा हूँ जी, जीतने वाली सीट 300 में बताया। मैं आपसे पहले भी कहा देखिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई कितना गुस्सा है लोगों में। आप ठीक है, आप ट्रेन में बैठा ले रहे हैं, हमें बैठा ले, लोगों को बैठा रहे हैं, हम लोग 24 घंटा छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं। हम लोग को जो गुस्सा देख रहे हैं खास करके नौजवानों में, बेरोजगारी, किसान का धान पैदा है और धान खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अभी हमारे मित्र ने भी 59,000 की बात कर रहे थे जी, विदेश बात कर रहे थे जी, आप पता कर लीजिए कि 59,000 की नियुक्ति जैसे लग रहा है कि ये नियुक्ति नहीं हो रही है, कोई हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई हो रही है जी। ठीक है, ऐसी नियुक्ति क्या कभी नहीं हुई है? इसी कल्याण सिंधी की मैं कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार थी 42,000, हम लोग इस अपनी सरकार में 52,000-56,000 की नियुक्ति हम लोगों ने किया है जी। और ऐसा नहीं कि नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये 59,000 की नियुक्ति को जैसे लग रहा है कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई क्या होता। ठीक है, आपका कहना है जी, आपने तमाम जो मसले उठाया, मैं एक आखिरी सवाल अजय राय साहब, एक निवेदन और जी, आप पूरी कर लीजिए बात। जो छात्रों का है जी, काशी विद्यापीठ के छात्र संघ का चुनाव रोक दिया क्योंकि इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है जी। यूपी कॉलेज का चुनाव रोक दिया, हरिचंद का चुनाव रोक दिया, DAV का चुनाव रोक दिया, जमानिया डिग्री कॉलेज जो मेरे हैं आज तक की कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं जी। इनको जहां लग रहा है, ये काशी की नगरी है जहां का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वहां का चुनाव, वहां का नौजवान धरना पर बैठा है, अनशन पर बैठा है, उनको जबरदस्ती जब मोदी जी आए तो उनको उठाने का काम किया गया। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि नौजवान की तरह गुस्सा में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिसका संसदीय क्षेत्र हो जी और प्रधानमंत्री के ही अंडर में मानव संसाधन मंत्री आते हैं, उनको बनारस में झाड़ू लगाने का समय है जी, लेकिन एक कुलपति की नियुक्ति करने के लिए उनके पास। ठीक है, आपने छात्रों के मुद्दे उठाए, तमाम बातें उठाई, और ओम प्रकाश जी आपका कहना है कि आप 300 सीट पर मजबूती से लड़ रहे हैं। अजय राय साहब, आखिरी सवाल मेरा भी आपसे यही है क्योंकि अब हम बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, बताइए क्या आपका गणित क्या कहता है? क्योंकि मुझे पता है आप वैसी बात नहीं करेंगे कि 400 पार 500 पार। नहीं देखिए, वो अमित शाह बोलते हैं और ओम प्रकाश जी ने कहा 300 की सीट, उन्होंने भी कहा कि 300 सीट पे मजबूती। ठीक, हम लोग अभी निश्चित तौर से अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं जी। अब सीट का आकलन, अभी मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं या मैं कोई नेस्टरडैम्स हूँ नहीं कि मैं पहले बता दूँ, ये जरूर है कि बहुत मजबूत स्थिति और एक एक सीट पर हमारी वर्किंग चल रही है, एक एक सीट की, एक एक सीट पर हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे निश्चित तौर से। कांग्रेस प्रियंका जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, गांव लेवल पे, अभी हम लोग मीटिंग करके ही वहाँ थोड़ा लेट हुआ है, वहाँ से निकले हैं क्षेत्र, तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि कमतर मत ना कीजिएगा। सेनापति जबरदस्त है, क्यों सेनापति आज उसी सेनापति उसी बात कर रहे हैं उसी उसकी उसी सेनापति के नाते आज प्रधानमंत्री जी को बनारस बार बार दौड़ के भाग के आना पड़ रहा है क्योंकि आठों के आठ विधायक उनके हैं, आठों विधायक उनके हैं जी जी जी। अब क्यों आ रहे हैं?